भोपाल मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जहां एक और जीतू पटवारी ने मीडिया से बात करते हुए साफ कहा है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार फिर आ रही है और शिवराज जी जा रहे हैं। केवल कमलनाथ जी ने जो 11.5 महीने में निर्णय लिए थे उससे मध्य प्रदेश की आर्थिक ग्रोथ बढ़ने लगी थी, लेकिन 15 साल में बीजेपी ने क्या किया ये पता नहीं। 28 सीट, चाहे कितना कोई घूम ले, इधर उधर घुमाने की कोशिश कर ले, मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर ले, कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी मुंह की खाएगी। भारतीय जनता पार्टी का मोटिव कैसे रोजगार मिलेगा, कैसे किसान समृद्ध होगा, किसानों का कर्जा क्यों खा गए आप लोग भारतीय जनता पार्टी, कैसे अतिथि विद्वान अतिथि शिक्षकों के साथ अन्याय किया आप लोगों ने, किस तरीके से मध्य प्रदेश की वो सारी योजनाएं जो समृद्ध बनाने की और कमलनाथ जी के केवल 11 महीने में 11.5 महीने जो उन्होंने मोटिव लिया था, जो निर्णय लिए थे और जिस तरीके से मध्य प्रदेश की आर्थिक ग्रोथ बढ़ने लगी थी, मैं मानता हूं कि उसका कोई जवाब नहीं है। 15 साल में हमने क्या किया ये बता नहीं सकते, 7 महीने में हमने क्या किया वो बता नहीं सकते, जो किया वो बता नहीं सकते और कुछ करने के लिए बताने के लिए नया है नहीं। तो कुछ तो भी मुद्दों को इधर उधर पूरी दुनिया में घुमाने की कोशिश हो रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही, अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए मृदुभाषी न्यूज के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को।